नमस्कार, घमासान.com में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन इंदौर के फाउंडर राधे जाट जी विशेष रूप से उपस्थित हैं। आप पिछले 3-4 सालों से एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से कृषि स्नातकों और किसानों के बीच में जागरूकता फैला रहे हैं और आपके प्रयासों से राज्य सरकार ने अभी वैकेंसियाँ भी निकाली है, उसके लिए निश्चित ही आप बधाई के भी पात्र हैं। उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा अकेले का उसमें अंकुरण का नहीं, जो कृषि महाविद्यालय दोनों यूनिवर्सिटी हैं ग्वालियर और जबलपुर, उन छात्रों की भी मेहनत रही है। हम लोगों ने उन लोगों ने भी काफ़ी मेहनत किया है, तो सभी लोगों का एक मिला जुला रहा है। अंकुरण ने अपनी एफर्ट लगाई है और बच्चों का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। और जो किसान मजदूर किसान के जो कार्यवाहक अध्यक्ष केदार सिरोही से, उन्होंने भी काफ़ी, जब हमारी स्ट्राइक आंदोलन होने के बाद जो उन्होंने पीछे से जो हमारी एक मदद किया है, बात राज्य शासन तक पहुंचाई है कि एग्रीकल्चर की पोस्ट क्यों जरूरी थी आना, और बैकअप दिया। हाँ, काफ़ी बैकअप दिया है, तो वो चीज़ रही है। जी जी, अब नेक्स्ट एजेंडा क्या है, जो आप विश्वविद्यालय को लेकर भी आप बोल रहे थे कि एमपी में आना, इधर मालवा निमाड़ क्षेत्र में आना चाहिए। हमारा जो एजेंडा है अभी एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन आवा का, वो है कि कृषि महाविद्यालय इंदौर को विश्वविद्यालय बनाया जाए। और ये मांग काफ़ी टाइम 76 से मांग चली आ रही है, लेकिन बन नहीं पा रहा है। 2008 में राजमाते विजय राज्य सिंधिया ग्वालियर यूनिवर्सिटी बनी, जो कि इंदौर उसमें उसका नाम था, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों के कारण वो इंदौर ना होकर ग्वालियर चली गई। तो अब हमारी मांग है कि ये जो है इंदौर कृषि विश्वविद्यालय बनना चाहिए। अब उसका जो इसमें, जैसे इसके अलावा भी आपने बताया था पिछली बार कि एफपीसी को लेकर भी आप लोग कुछ काम करना चाहते हैं, क्योंकि अभी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है पूरे मध्य प्रदेश में, और इवन कुछ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों ने अपना कंसोर्टियम भी बना लिया भोपाल में। इसके माध्यम से क्या बिचौलियों से मुक्ति मिल सकती है किसानों को? अगर एफपीसी के माध्यम से अगर जाएंगे तो बिचौलियों से तो मुक्ति मिलेगी और किसान की भी एक आर्थिक स्थिति सुधरेगी, तो ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए जागरूकता भी किसानों में लाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, जो हम रिसर्च विंग जो बना रहे हैं उसी को एक माध्यम बनाकर, और इस पे एफपीसी में हम लोग काफी काम करना चाह रहे हैं। तो इसके एक हम लोग जो रिसर्च विंग बना रहे हैं उसमें 21 लोगों के जो सीनियर साइंटिस्ट हैं, जो एग्रीकल्चर में एक अच्छा अपना नाम रखते हैं, उन लोगों को लेके हम लोग ये बनाना चाह रहे हैं। जी जी, इसका क्या एजेंडा है आपका, रिसर्च विंग क्यों बना रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है और क्या इसमें आपने प्लानिंग बनी है? रिसर्च विंग का जो उद्देश्य सबसे बड़ा वो है कि अभी तक जितने भी हम लोगों ने देखे हैं किसान आंदोलन होते हैं, गवर्नमेंट भी कुछ अपनी जब आंदोलन होते हैं तो बहुत सारी बातें रख देती हैं और उनके बाद वो धरातल पे उतरते नहीं है। तो और किसान भी, जो किसान जो नेता हैं वो अपनी बात रख सिर्फ किसानों का यूज़ करके और नेता बन जाते हैं, लेकिन किसानों के लिए एक्चुअल में वर्क होता नहीं। तो हम लोगों ने कहा एग्री अंकुरण एक नॉन पॉलिटिकली हमारा संगठन है, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि जो एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक लोग, वो इसमें जुड़े और हम लोग इसको एक्चुअल में एक कुछ गांव क्लस्टर बनाकर वहां पर वर्क करें, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करें और वह गवर्नमेंट को सबमिट करें, और उससे जन सहयोग से ही, मतलब किसानों का और गवर्नमेंट का एक सपोर्ट होके सारी चीज़ें, आंदोलन ही है कि आज के टाइम में आंदोलन का भी नुकसान होता है, इससे अगर बिना आंदोलन के भी कुछ चीज़ें हो सकती है तो उसमें सरकार को भी बेनिफिट है और किसान को भी बेनिफिट, तो उस उद्देश्य को लेके हम लोग चल रहे हैं। आपने बताया कि जैसे बगैर आंदोलन के भी काम किया जा सकता है रचनात्मक तरीके से, और पूर्व में आपने आंदोलन भी किए, मैंने आपको दोनों तरीके से काम करते देखा कि आपने आंदोलन भी किया, उसके बाद फिर आपने ज्ञापन आवेदन और रचनात्मक तरीके से भी अपनी बात रखी, जैसा कि आपके प्रतिनिधिमंडल ने रिसेंट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर सचिन जी यादव से मुलाकात करी थी भोपाल में, तो आपको दोनों तरीकों में क्या अंतर लगा और कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा? दोनों ही तरीके अपनी अपनी जगह सही मायने रखते हैं। जब आप ऐसी सरकार हो जो आपके आवेदन या सरकार सुनना ही नहीं चाहती है,
जो हम पिछली बार कर चुके थे उस सरकार के खिलाफ जब हमने स्टार्ट किया, तो हमने आवेदन पहले भी दिया लेकिन सरकार को कोई समझ ही नहीं आ रहा था, फिर आंदोलन किया तो भी समझ में नहीं आया। इस सरकार के साथ एक बेनिफिट ये हुआ कि हम लोगों ने हमारी बात रखी डेलीगेशन के साथ और जो पुराने आंदोलन थे उनको बताया हुआ था, तो उन लोगों ने उसके आधार पर आज जो ये पोस्ट निकाली है वो एक है। और जो आज हम लोगों ने, मैं आप यूनिवर्सिटी के बारे में भी थोड़ा और बताना चाह रहा था सर, कि यूनिवर्सिटी का इतना हम लोग क्यों चाह रहे हैं, उसका रीजन ये है कि मालवा निमाड़ आज की टाइम में सबसे बड़ा कृषि के लिए हब है। यहाँ पर जो किसान है वो सबसे सक्रिय किसान है, जो हर तरह की फार्मिंग होती है। लेकिन आप जबलपुर या ग्वालियर में चले जाओ तो वहाँ पर इतनी सारी जो क्रॉप का वेरिएशन है वो नहीं मिलेगा। क्रॉपिंग पैटर्न जो एमपी मालवा निमाड़ है ये काफी है। मतलब आपका कहना है कि डाइवर्सिटी यहाँ पर ज्यादा है, यस, क्रॉपिंग डाइवर्सिटी एज कम्पेयर टू चंबल रीजन। यस बिल्कुल। तो फिर क्या रीजन रहा कि राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर चले गया, इसका क्या कारण रहा? इसका जो आई थिंक ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट सरकार का कुछ महत्वाकांक्षी लोगों की वजह से और पॉलिटिकली होने के कारण ही चला गया। लेकिन आज राजमाता विजयराज सिंधिया आप अगर यूनिवर्सिटी देखोगे तो वहाँ पर इतना सक्सेसफुली कुछ भी नहीं है जितना आज जो भी कर रहा है। आज अगर राजमाता विजयराज सिंधिया की सक्सेसफुल में सबसे ज्यादा हाथ है तो वो कृषि महाविद्यालय इंदौर का है, इधर के केवीकेएस का है, धार केवीकेएस का और इनका। लेकिन जो होना चाहिए वो इंदौर होगा, तो ये इंटरनेशनल लेवल पर जो हम यूनिवर्सिटी के यहाँ पर जो डिमांड कर रहे हैं, जो इंदौर में विश्व कृषि विश्वविद्यालय में जो आने वाला है उसमें हम लोग सिर्फ नौकरी के लिए नहीं कर रहे, ये जॉब जनरेटर उस टाइप का हम लोग इसका प्रपोजल बनाया है कि इससे लोगों को मतलब जो यहाँ के स्टूडेंट निकले और नौकरी ना करे, जॉब प्रोवाइडर बने। जी, अभी किसानों का मुद्दा जो आप देख भी रहे हैं कि एमपी में किसानों का कर्ज मुक्ति की वजह से जो नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है उसमें ये देखने में आ रहा है कि कुछ जगहों पर विसंगतियां भी हुई है। मैं 100% विसंगति नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ जगहों से कुछ विसंगतियां आई है कि वो किसान नहीं थे फिर भी उन्होंने लोन लिया और वे ऑफ करा लिया, तो इस तरह से कहां कहां पर डिस्क्रिपेंसी हुई है और आपकी संस्था का क्या ओपिनियन है इसके बारे में? मेरा जो इस पे ओपिनियन है वो ये कहना चाहूंगा कि जो एक तो विसंगति तो आई है कि जो अगर देखे तो मैं अपने गाँव का ही बताऊँ, जिन लोगों के लोन नहीं थे उनके भी लोन निकले और उसके बाद जो अभी गवर्नमेंट ने वे ऑफ किया है लोन उससे भी किसान ना खुश है। उसका कारण ये है कि जिन लोगों के 2 लाख रुपए जब इन्हें बोला था गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश सरकार में जब बन रही थी, तो जब भी मैंने इस चीज़ पे मुद्दा उठाया था कि किस तरह से आप माफ करोगे, आज वही प्रॉब्लम आने लगी है। आज कुछ किसानों का आप बोल रहे हैं ये लोग कि 50,000 रुपये माफ हो रहा है, जब आपने 2 लाख रुपये की बात किया था तो आज 50,000 माफ क्यों कर रहा हूँ? अगर या तो आपको इस तरह से जब आपकी जब सरकार बनने के पहले जब आपने अपने इसके वचन पत्र में ये चीज रखी थी कि हम 2 लाख माफ करेंगे, ये नहीं बताया था ना कि 3 फेज में करेंगे। आज किसान खुश नहीं है, 50,000 रुपये दे रहे हैं उनके भी मतलब, और मेरे गांव में तो अपने गांव की बताऊं, मेरे गांव में सिर्फ 16 लोगों का लोन माफ हुआ है और मेरे पास वाले गाँव में 4 लोगों का लोन माफ हुआ है। मतलब 100% भी ये विसंगति ही कहेंगे कि अभी किसानों के लोन भी माफ सही तरीके से नहीं हो रहे हैं, तो ये सरकार को सोचना पड़ेगा क्योंकि इससे आने वाले चुनाव में लोकसभा में इनको काफी नुकसान इस सरकार को उसका भुगतना पड़ेगा अगर ये उसका लोन अगर जो किसान, क्योंकि किसान तो एक बात मान के बैठा कि मेरा 2 लाख रुपए का बोला है तो अगर मेरा 2 लाख रुपए लोन है तो वो माफ होना चाहिए। अगर मेरा सोसाइटी का 1 लाख है और अगर एक मेरा बैंक का है तो 1 लाख वहाँ का हो 1 लाख वहाँ का हो, तो ये भी एक सरकार के लिए समझने की जरूरत है कि इस लोन को विसंगतियों को दूर करके और किसानों को जो उन्होंने वादा किया है वो, क्योंकि किसान आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मैं तो आपको अगर मैं देखूं फील्ड लेवल पे तो ये महसूस हो रहा है कि किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वो तो लंबे समय से किसान परेशानी में ही, हाँ, वो ये सरकार आ गई है या वो सरकार आ गई, हर कोई वादे किसानों से करता है और वादे करने के बाद भूल जाता है, अपनी सरकार बनी है और वही चल रहा है। आप लोन माफ कर रहे हो, आप उसके लिए बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हो, अगर ये विज्ञापन ना देखे अगर किसानों का लोन माफ कर दे, ये भी सरकार विज्ञापन वाली हो गई। आज अगर देखो तो सारे न्यूज़पेपर में विज्ञापन से भरे पड़े हैं किसानों के नाम पे, लेकिन हो कुछ नहीं रहा धरातल पर, इसका खमजिया इनको भुगतना पड़ेगा अगर इन्होंने इस चीज को दूर नहीं किया तो। तो आज हमारे स्टूडियो में एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन के फाउंडर राधे जाट जी, जिनसे हमने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करी, इंदौर में जो प्रस्तावित कृषि विश्वविद्यालय है और मध्य प्रदेश की जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों का जो परफॉर्मेंस है और उसकी पॉलिसी में जो परिवर्तन का जो उन्होंने बताया, और एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन किसानों एवं कृषि स्नातकों के हित में एक रिसर्च विंग भी बना रही है जिसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े विद्वान एग्रीकल्चर के
अपनी राय रखेंगे और गवर्नमेंट को सही पॉलिसी बनाने के लिए उसमें लॉबिंग की जाएगी। आपने बहुत ही शॉर्टकट में बताया कि किसानों के लोन में भी बहुत विसंगतियां हो रही हैं और ये विसंगतियां दूर होना चाहिए निश्चित ही। आज हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है राधा जाट जी ने दी है, आपने हमारे स्टूडियो में आके अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।